और वहीं दिवाली से पहले कल केंद्र सरकार ने देश के लोगों को तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर जनता को दिवाली का तोहफा दिया। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगी एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया और उसके बाद पेट्रोल की कीमत में 5 और डीजल की कीमत में 10 रुपए की गिरावट आ गई है और ये फैसला आज सुबह से लागू हो गया है। तो देश की जनता को सरकार ने दिया है दिवाली गिफ्ट। पेट्रोल से 5 और डीजल से 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जिसका असर सीधे तौर पर अब जब आप पेट्रोल और डीजल लेने जाएंगे उसका उस पर पड़ेगा और आज ही से नई दरें भी लागू हो गई हैं। और एक बड़ी अपडेट भी आपको दे दें, यूपी सरकार ने भी पेट्रोल से वैट कम कर दिया है। डीजल से भी यूपी सरकार ने वैट कम किया है। पेट्रोल और डीजल अब उत्तर प्रदेश में 12-12 रुपए सस्ता मिलेगा आपको। योगी सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए वैट घटा दिया है और डीजल पर 2 रुपए वैट घटा दिया है। तो इस तरह से 12 रुपए दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में आपको सस्ती मिलेंगी। कल की तुलना में आज 12 रुपए पेट्रोल और डीजल कम मिलेगा। और वहीं यूपी में लोग पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के बाद जो कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखा दें। सरकार अगर 5 रुपया या 10 रुपया डीजल कम कर रही है तो ये आम जनता के लिए खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात किसानों के लिए कि 10 रुपया डीजल कम हो रहा है। आज के समय में धान की खेती कटाई हो गई है, इसमें ट्रैक्टर और डीजल की ज़रूरत है, इसलिए इससे आम किसान काफ़ी खुश होंगे। आज दीपावली के दिन आम जनता को पेट्रोल और डीजल में राहत देकर के बहुत बड़ी ये आम जनता के लिए भलाई का काम किए हैं। इससे आम जनता को, किसानों को हर चीज़ में बहुत राहत मिलेगी। और मोदी जी का लग रहा दिवाली पे उपहार है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। वही पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है ट्वीट करके। उन्होंने लिखा, दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर उनकी कीमतों में क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए कटौती कर आम जनता को बड़ी राहत दी गई है। मैं इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। मोदी द्वारा लिया गया ये निर्णय आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले बोझ को न केवल हल्का करेगा बल्कि महंगाई पर भी काबू रखने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। ये आगे ट्वीट का कंटेंट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। ये निर्णय अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इस तरीके से स्वागत किया इस निर्णय का। और वहीं मोदी सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, ट्वीट का कंटेंट INC इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से, मोदी सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिसके अंतर्गत आगे पेट्रोल डीजल का आयात करके अपने ही देशवासियों को बेचकर भारी कीमत वसूली जा रही है। आज देश तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूली करने वाले देशों में शुमार हो चुका है। मोदी सरकार एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिसके अंतर्गत पेट्रोल डीजल का आयात करके अपने ही देशवासियों को बेचकर भारी कीमत वसूली जा रही है। तो चलिए आस्था, आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में बताया।